लाहौर डिवीज़न के तंजीमी इजलास में शिरकत न करने का मामला। मुस्लिम लीग नून ख्वातीन यूथ विंग लाहौर की सदर सुमैरा कोमल ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त लाहौर डिवीज़न के तंजीमी इजलास में शिरकत ना करने का ये मामला है। मुस्लिम लीग नून ख्वातीन यूथ विंग लाहौर की सदर सुमैरा कोमल ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। इजलास में शिरकत की बजाय अदालत जाना लाजमी, इस हवाले से आपको बताते चले कि लाहौर डिवीज़न के तंजीमी इजलास में शिरकत ना करने का ये मामला है। नून लीग की ख्वातीन यूथ विंग लाहौर की सदर सुमैरा कोमल ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। 12 अप्रैल को मरियम नवाज़ की हाईकोर्ट में पेशी थी। सुमैरा कोमल की जानिब से ये कहा गया, इजलास में शिरकत की बजाय अदालत जाना लाजमी समझा, मौकफ़ ये इख्तियार किया गया है। इसी भी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा इखलाक अहमद। इखलाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम नून ख्वातीन यूथ विंग लाहौर की डिवीजन की जो सदर है सुमैरा कोमल, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और सुमैरा कोमल ने अपना इस्तीफा जो है वो क़यादत को भिजवा भी दिया गया है। और इसमें उन्होंने मौकफ इख्तियार किया है कि मेरे लिए मेरे कायद मरियम नवाज की पेशी लाजमी है। मरियम नवाज के लिए मैं ऐसे हजारों ओहदे जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं बतौर पार्टी कारकुन अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सरअंजाम दे रही थी कि 12 अप्रैल को पार्टी सेक्रेटरियट में लाहौर डिवीजन की तंजीमी मीटिंग थी और उसी दिन मरियम नवाज की लाहौर हाईकोर्ट में पेशी भी थी। लिहाजा मैंने मीटिंग में जाने की बजाय मरियम नवाज की पेशी पर इजारे जज्जती के लिए जाना ज्यादा बेहतर समझा। और ख्वातीन विंग पंजाब की जो सरबरा है शिद्रा मनसब और आयशा लोधी जो के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने मीटिंग मंसूख कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मीटिंग बुलाई और शिद्रा मनसब और आयशा लोधी के रवैये के खिलाफ में इत्तेजाजन अपने इस्तीफे अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रही हूँ और मुझे जो शोकाज नोटिस जारी किया गया है वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इखलाक अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।